बॉलीवुड के भाई और सुपरस्टार सलमान खान आज अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। सलमान का जन्म मुंबई में 27 दिसंबर 1965 को हुआ था। सलमान खान का मूल नाम अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान है और उनके पिता सलीम खान फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने लेखक हैं। आज हम सलमान खान के साथ हुए कुछ ऐसे वाक्य आपको बता रहे हैं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। सलमान खान को बॉलीवुड का दबंग कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान को ये दबंगई अपने खून से ही मिली है? सलमान खान भले ही फिल्म में दबंग बने हो, लेकिन सलमान के दादाजी भी दबंग पुलिस वाले थे। वो इंदौर में DIG थे। उनके दादा की छवि बिल्कुल सलमान खान की दबंग जैसी थी। सलमान के दादा एकदम दबंग स्टाइल में रहते थे। वो शाही तरीके से खुली जीप में घूमते थे और वो यूनिफॉर्म भी कभी कभार ही पहना करते थे। उन्हें सर नहीं मियां कहकर पुकारा जाता था। महाराजा यशवंत राव होलकर ने उन्हें दिलेर जंग की उपाधि दी थी। होलकर राज परिवार से खान खानदान का संबंध तब से है जब सलमान खान के पूर्वज अफगानिस्तान से इंदौर आए थे। जिस तरह दबंग में सलमान खान का हथियार रिवॉल्वर है, इसके ठीक उलट सलमान के दादा रिवॉल्वर की जगह अपने पास डंडा रखते थे और ये उनका मेन हथियार था। सलमान की चर्चा उनके रोमांस के किस्सों को लेकर भी खूब होती है। सलमान ने भले ही अब तक शादी नहीं की है, लेकिन उनकी जिंदगी में कई लड़कियां आ चुकी हैं और जा भी चुकी हैं। वहीं इन्हीं में से एक ऐसी लड़की है जिसके लिए सलमान दीवाने थे। 19 की उम्र में गुजरे जमाने के हीरो अशोक कुमार की नातिन शाहिन जाफरी सलमान की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। शाहिन से मिलने के लिए सलमान घंटों उनके कॉलेज के बाहर उनका इंतज़ार करते थे। सलमान और शाहिन के बीच में संगीता बिजलानी आ गई थी, जिसकी वजह से उन दोनों का रिश्ता टूट गया था। सलमान खान वैसे बहुत कम गुस्सा करते हैं, लेकिन जब भी करते हैं तो सामने वाले की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। और ऐसा ही हुआ जब सलमान ने सुभाष घई को थप्पड़ जड़ दिया था। एक बार सुभाष घई और उनकी किसी बात पर अनबन हो गई थी। गुस्से में सुभाष ने सलमान का कॉलर पकड़ लिया था और उनकी तरफ चम्मच फेंक कर मारा था। इस पर सलमान को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने सुभाष घई को थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि इस घटना के अगले ही दिन सलमान उनसे माफ़ी मांगने भी पहुंच गए थे। सलमान खान की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो हर चीज़ में परफेक्ट है। एक्टिंग हो, फैशन हो, फैन फॉलोइंग हो या कुछ भी हो, हर चीज़ में सलमान परफेक्ट है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसमें सलमान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है और वो है सलमान के डांस मूव्स। जी हाँ, सलमान के डांस मूव्स का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सलमान का डांस करने का स्टाइल सबसे अलग है। सलमान का गाना कि ये जवानी फिर ना आए में तौलिया वाले स्टेप से लेकर हुड़ हुड़ दबंग में बेल्ट वाले स्टेप तक, सलमान ने ऐसे कई हिट गाने दिए हैं जिनमें उनका एक हुक स्टेप फेमस हो गया है और वो हमेशा लोगों को याद रहेगा। सलमान के ऐसे ही कुछ गाने हैं जिसमें उनकी डांस स्टेप्स एकदम जुदा है। वो गाने हैं ओह जाने जाना, एक और गाना है जिसमें सलमान की स्टेप सबसे अलग है, वो है जीने के है चार दिन। वहीं हुड़ हुड़ दबंग में सलमान का बेल्ट वाला स्टाइल और उनका डांस स्टेप आज भी लोगों को याद है। और वहीं पांडे जी सिटी में सलमान की जो डांस स्टेप है, लोग उसे कभी नहीं भूल सकते। ये सलमान खान के वो कुछ खास गाने हैं जिनमें सलमान की डांस की शानदार स्टेप्स को आज भी याद किया जाता है और आगे भी याद किया जाएगा। फिलहाल सलमान अपनी दबंग 3 के प्रोजेक्ट को लेकर बिजी चल रहे हैं। उनकी ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। हालांकि CAA और NRC के चलते इस मूवी पर थोड़ा सा असर तो पड़ा है, लेकिन अब मूवी सलमान खान की है तो इसका हिट होना तो पूरी तरह से तय है। और हाल फिलहाल आज के दिन सलमान खान मना रहे हैं अपना बर्थडे बड़े ही धूमधाम से और दूर दूर से फैंस पहुंचे हैं अपने सुपरस्टार, अपने फेवरेट एक्टर को जन्मदिन की बधाई देने। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।